Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है गॉथिका। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय मैथ्यू कैसोविट्स। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और 88% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी शुरू होती है डॉक्टर मिरांडा ग्रे के साथ। वो एक फेमस साइकियाट्रिस्ट है जो हर एक सिचुएशन को रैशनली देखने की कोशिश करती है। फिलहाल वो वुडवर्ड प्रिजन हाउस में द मोस्ट वायलेंट लेडी प्रिजनर्स की ट्रीटमेंट किया करती है, जैसे क्लोई। उसकी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन को अलग ही नहीं कर पा रही। उसे लगता है कि यहाँ पर हर रात कोई उसके साथ जबरदस्ती करता है। मिरांडा जब उसकी बात नहीं मानती तो वो वायलेंट होकर उस पर हमला करने जाती है। मिरांडा डिसाइड करती है वो क्लोई का केस छोड़ देगी, क्योंकि पिछले 3 सेशन से वो एक ही बात रिपीट कर रही है। मे बी उसकी दवाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। हम मिरांडा के हस्बैंड डगलस से भी मिलते हैं। वो इस प्लेस का मैनेजमेंट हेड है। वैसे तो वो लोग एक साथ ही घर लौटते हैं हर दिन, मगर आज वो जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसे विलो क्रिक जाना है। वहां पर उनका एक घर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका ही काम देखने वो जा रहा है। उसके निकल जाने के कुछ घंटे बाद मिरांडा भी घर की तरफ निकल पड़ती है, मगर बहुत बारिश हो रही थी इसीलिए वो रास्ता बंद कर दिया गया था। उसे दूसरे तरफ से घूम कर जाना होगा। उस तरफ से एक ब्रिज पड़ती है। मिरांडा जैसे उस ब्रिज को क्रॉस करती है, उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जिससे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मिरांडा गाड़ी से उतरकर जल्दी से उस लड़की के पास भागती है और देखती है वो लड़की बहुत ही ज्यादा घायल है, खून से लथपथ है। अचानक से वो अपने शरीर में आग लगा लेती है और अपने हाथों से मिरांडा को पकड़ने की कोशिश करती है। मिरांडा जोर से चिल्लाती है और उसकी नींद टूट जाती है। तो क्या ये सब उसका सपना था? शायद नहीं। वो अपने आप को उसी हॉस्पिटल के पेशेंट केबिन में बंद पाती है। उसका ट्रीटमेंट कर रहा था उसका ही कलीग पीट। वो उसे कहता है वो पिछले 3 दिनों से डिल्यूशनल स्टेट में है और पीट उसे सेंस में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि मिरांडा की गवाही बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मिरांडा के पति डग का खून हो चुका है 3 दिन पहले और मिरांडा ही प्राइम सस्पेक्ट है। उस घर में हर जगह उसकी फिंगरप्रिंट्स मिली है, इवन मर्डर वेपन पर भी, मगर मोटिव अभी तक किसी को पता नहीं चला और इसीलिए मिरांडा की गवाही इतनी जरूरी है। इस बात से मिरांडा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हमें पता चलता है वो जो देख रही थी वो कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत था। उस रात हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसके साथ ठीक यही सब कुछ हुआ था, मगर उसके बाद उस लड़की को देखने के बाद कब वो घर पहुंचे उसे कुछ भी याद नहीं। और अपने पति का खून वो क्यों करेगी? ये तो सरासर झूठ है। वो पीट को उस रात की सारी बातें बताती है, उस लड़की के बारे में भी, मगर पीट कहता है ये उसके हेल्यूसिनेशन है। उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। ये लोग उसे बिल्कुल दूसरे पेशेंट्स की तरह ही ट्रीट करने लगे थे, मतलब अभी उसमें और क्लोई में कोई फर्क नहीं था। सबके नजरों में दोनों ही पागल थे। इवन क्लोई तक उसे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। उल्टा उसे वो एक न्यूज़पेपर कटिंग देकर जाती है जिससे मिरांडा को पता चलता है कि उसका केस मीडिया में टॉप पर है। रात भर उसे अजीब अजीब सी एक्सपीरियंसेस होने लगी है। कभी उसे ऐसा लगता है कि उसके केबिन में कोई और है, तो कभी उसे दरवाजे पर लिखा हुआ मिलता है नॉट अलोन, जिसका कोई भी मतलब उसे तो समझ नहीं आता। नेक्स्ट डे वो जब बाकी लड़कियों के साथ नहा रही थी, उसे किसी की विस्परिंग सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे वही लड़की दिखाई देती है। मिरांडा चिल्लाने लगती है। उसे देखकर बाकी लड़कियां भी डर जाती है और भागा दौड़ी में मिरांडा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और हमें उसके आसपास बहुत सारा खून नजर आता है। लेकिन अजीब बात यह है, डॉक्टर्स को उसके हाथ पर बहुत सारे स्क्रैचेस मिलती है। देखकर तो ऐसा लग रहा था उसने खुद ही ब्लेड या फिर चाकू से खुद को हर्म करने की कोशिश की है। घाव गहरे तो नहीं थे लेकिन बहुत सारे थे, मगर मिरांडा को खुद इनके बारे में कुछ भी याद नहीं। वो बार बार पीट को समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है, मगर एज अ डॉक्टर पीट भी बिल्कुल उसी की तरह सब कुछ रैशनलाइज करने की कोशिश करता है और उसके एक भी बातों पर बिलीव नहीं करता। नेक्स्ट डे मिरांडा को पता चलता है उसके केस का हियरिंग नेक्स्ट वीक ही है। इतनी जल्दी केस को इन्वेस्टिगेट करके उसके सपोर्ट में सबूत इकट्ठा करना नामुमकिन है, तो उसका वकील टेडी उसे पागलपन का नाटक करने की सलाह देता है, जिससे मिरांडा बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो वो क्यों डरेगी? इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था शेरिफ बॉब। वो डगलस का बेस्ट फ्रेंड था तो वो मिरांडा को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था, मगर वो भी उसे ही दोषी करार दे रहा था। उस पर चिल्लाने लगा था कि उसने क्यों इतने बेरहमी से उसके दोस्त का खून किया है। वो मिरांडा को क्राइम सीन की कुछ तस्वीरें भी दिखाता है। डगलस का शरीर टुकड़ों में बिखरा पड़ा था, हर तरफ सिर्फ खून ही खून था, मगर उन्हीं पिक्चर्स में एक पर लिखा हुआ था नॉट अलोन, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस रात दरवाजे पर देखी थी। मगर ठीक तभी हमें मिरांडा के हाथ पर वही वर्ड्स दिखते हैं
मतलब उस दिन बाथरूम में किसी ने उसके हाथ पर यही लिख दिया था। मिरांडा कुछ समझ तो नहीं पा रही थी, उसे लग रहा था ये लोग सभी मिलकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट झूठ मूठ का एलिगेशन ला रहे हैं। मगर उसी रात उसे सपने में कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। उसे सपने में उस रात की कुछ झलक नजर आती है जिससे हमें पता चलता है मिरांडा ने उस रात उस ब्रिज पर जिस लड़की को देखी थी वो असल में एक आत्मा थी, उसने ही मिरांडा को पोजेस की थी। उसी हालत में मिरांडा घर पहुंची, उस दीवार पर उसने ही नॉट अलोन लिखा, इवन उसने ही कुल्हाड़ी से डक पर हमला भी किया था और उसका खून भी, मगर सब कुछ पोजेस्ड हालत में। मिरांडा यही बातें नेक्स्ट डे पीट से कहती है और पीट उसे लेकर हॉस्पिटल डायरेक्टर फिल के पास जाता है, मगर कोई भी उसके बातों को मानने के लिए राजी ही नहीं थे। मगर उस कमरे में मिरांडा को एक फोटो नजर आती है, ये तो वही लड़की है जिसे मिरांडा बार बार देख रही है और ये लड़की रेचल है, फिल की बेटी। मगर मिरांडा इसे कैसे देख सकती है, इसकी मौत तो 4 साल पहले हुई थी, उसने उसे ब्रिज से कूदकर सुसाइड की थी। मिरांडा समझ चुकी थी रेचल की आत्मा उसके शरीर को यूज कर रही है, उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, मगर क्या। उसी रात मिरांडा के केबिन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मिरांडा बाहर भागती है तो उसे रेचल की आत्मा एक केबिन के बाहर नजर आती है और वो केबिन थी क्लोई की। उस रूम के पास जाते ही मिरांडा को अंदर से किसी की आवाज आती है, वो ध्यान से देखती है तो अंदर क्लोई के साथ और भी कोई था, एक हट्टा कट्टा इंसान जिसके सीने पर एक टैटू था आग में जलती हुई एक लड़की की। मिरांडा इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो चिल्लाने लगती है और गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं, उसे और ज्यादा सिक्योर्ड सेल में रखा जाता है। मिरांडा पीट से कहकर क्लोई का चेकअप भी करवाती है लेकिन वो कहता है सब कुछ ठीक है। मिरांडा पीट को ये भी समझाने की कोशिश करती है कि रेचल की मौत सुसाइड नहीं थी बल्कि उसका किसी ने खून किया था, वो आत्मा उसे यही तो बताने की कोशिश कर रही है, मगर पीट इस पर भी भरोसा नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग मिरांडा के साथ क्लोई की मुलाकात होती है, वो उससे माफी मांगती है कभी उस पर भरोसा ना करने के लिए, मगर जवाब में क्लोई सिर्फ उसे इतना बताती है कि उस शैतान का अगला टारगेट मिरांडा है। उस रात हम मिरांडा के ऊपर रेचल की आत्मा को हमला करते हुए देखते हैं, मगर असल में ये सिर्फ एक नाटक था जिससे मिरांडा को भागने का मौका मिले। असल में वो आत्मा मिरांडा को यहाँ से निकलने में मदद कर रही थी, तो जैसे गार्ड्स आकर दरवाजा खोलकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, मिरांडा बहुत मुश्किल से उन्हें चकमा देकर एंट्रेंस तक भाग पहुंचती है और जो सिक्योरिटी गार्ड था वहां पर उसे मिरांडा पर भरोसा था तो वो उसे अपनी कार की चाबी देता है जिससे मिरांडा घर जा पहुंचती है। घर में घुसते ही मिरांडा को उस रात की मेमोरीज वापस आने लगती है, वो सब कुछ अपने आंखों के सामने बिल्कुल क्लियरली देख पा रही थी, मगर अभी सिर्फ यही समझना बाकी था कि क्यों रेचल ने ये सब किया। मिरांडा कुछ पुरानी फोटोज देख रही थी, अचानक से उस फोटो पर खून की एक बूंद गिरती है जो एक इशारा था। रेचल मिरांडा को इसी फोटो में जो घर है वहां जाने के लिए कह रही थी, यह घर था वीलो क्रीक जहां डग हमेशा जाता था, इवन उस रात में गया था। तो मिरांडा नेक्स्ट मॉर्निंग ही उस घर में जाती है, बाकी का पूरा घर तो खाली था मगर गैराज में उसे एक ट्रैप डोर मिलता है और उसके अंदर जाते ही मिरांडा को एक बहुत ही बड़ा सच्चाई के बारे में पता चलता है। अंदर एक बेड था जिस पर खून लगा हुआ था, लाइट्स थे और कैमरा भी। मिरांडा जब उस कैमरा को चेक करती है उसे पता चलता है उसका हस्बैंड डग एक सेक्स प्रेडेटर था जो यहाँ पर लड़कियों को कैद करके उन पर टॉर्चर किया करता था। नॉट ओनली दैट, वो सब कैमरा में रिकॉर्ड भी करता था और इन्हीं लड़की में से एक थी रेचल। डग ने उसे रेप किया और बाद में उसे मारकर ब्रिज से नीचे फेंक दिया। मिरांडा जब इधर उधर देख रही थी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, ये और एक लड़की थी बहुत बुरी हालत में, उसे मदद की सख्त जरूरत थी। मिरांडा को ढूंढते ढूंढते पुलिस इस घर में पहुंच चुके थे तो मिरांडा के साथ साथ इस लड़की को भी रेस्क्यू किया जाता है, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। पता चलता है इस लड़के का नाम है प्रिंसी और वो पिछले कई दिनों से गायब थी। हॉस्पिटल में ये बात फैल जाती है, कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि डग जैसा इंसान ये सब कर सकता है। रेचल का पिता तो ये सच जानकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो चुके थे। मिरांडा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ रेचल ही नहीं डग का शिकार और भी कई सारे लड़कियां हुई थी। रेचल सिर्फ अपने बारे में नहीं सबके बारे में उन्हें वार्न करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए तो वो बार बार नॉट अलोन वाला मैसेज दे रही थी। मगर फिल के साथ बात करके उसे पता चलता है फिल को अपने सपने में वही टैटू वाला सीन, मतलब आग में जलती हुई लड़की दिखाई देती है। तो मिरांडा को शक होता है इस सब का कोई तो मतलब होगा, नहीं तो दोनों को ही एक साथ एक जैसा ही सपना क्यों दिखेगा। वो धीरे धीरे हर एक चीज को एनालाइज करने लगती है और उसे पता चलता है कि इस सपने का उस टैटू से जलती हुई लड़की से डायरेक्ट कनेक्शन है। रेचल जरूर इसी बात को रेफर कर रही होगी, इसका मतलब ये है कि उस रात उसने क्लोई के साथ जो आदमी देखा था वो टैटू वाले आत्मा का इस केस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। मे बी ही इज द सेकंड किलर,
डक का साथी रेचल शायद यही बताने की कोशिश कर रही थी कि डक अकेला नहीं था, अभी भी एक खूनी जिंदा है जो खुलेआम घूम रहा है। मिरांडा अपने इस रियलाइजेशन को पीट और शेरिफ बॉब के साथ शेयर करती है। बॉब उसके साथ इस मैटर को डिस्कस करने लगता है, लेकिन ये करते करते वो बिल्कुल इस खूनी की तरह सोचने लगा था, मगर ग्रेजुअली मिरांडा उसके बर्ताव से समझ गई थी कि ये आदमी उस खूनी की तरह सिर्फ सोच ही नहीं रहा बल्कि वो ही असल में खूनी है। हाथापाई में मिरांडा उसके चेस्ट पर वो टैटू भी देख पाती है, तो बॉब भी सब कुछ मान लेता है। हाँ, वो ही वो दूसरा खूनी है, डक का पार्टनर। वो लोग यंग लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे और काम खत्म करने के बाद उन्हें मार डालते थे। अभी जब मिरांडा को सब पता चल चुका है तो उसे भी मरना पड़ेगा। वो उसे एक पॉइजनस इंजेक्शन इंजेक्ट करने की कोशिश करता है तो मिरांडा उल्टा उसे ही इंजेक्ट करके सेल से बाहर भागती है। एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। बॉब जैसे पागल हो चुका था, वो इधर उधर भटकता है, शूट करने लगता है, चीजों को फेंकने लगता है। असल में उस इंजेक्शन के कारण उसके सामने सब कुछ धुंधला होने लगा था, इसीलिए उसे ठीक तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके गोली से एक सिलेंडर तक फट जाता है। उसे सामने एक साया नजर आता है तो वो मिरांडा समझकर शूट कर देता है, लेकिन ये असल में रेचल थी। तो गोली उसे तो नहीं लगती बल्कि उसके पीछे कंप्यूटर पर जाकर लगती है और एक भयानक ब्लास्ट होता है। मगर तब भी जब बॉब जिंदा बच जाता है तो मिरांडा ही उसे शूट करके मार डालती है। रेचल का बदला पूरा हो चुका था और अभी पीट भी मिरांडा पर बिलीव करने लगा था क्योंकि वो सब कुछ अपने आंखों के सामने ही तो होते हुए देखा था। तो आखिरकार सभी को पूरा सच पता चल ही जाता है। रेचल की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो फिर कभी मिरांडा को डिस्टर्ब नहीं करती। फाइनली हमें पता चलता है बॉब सिर्फ डगलस का साथी ही नहीं था बल्कि वो इस प्रिजन में भी क्लोई जैसे प्रिजनर्स के ऊपर टॉर्चर किया करता था। क्लोई उसे अंधेरे में देख नहीं पाती थी इसीलिए शैतान कहती थी, लेकिन अभी सबको सब कुछ पता चल चुका है। मिरांडा को उस प्रिजन हाउस से आजादी मिल जाती है और वो एक नई तरह से अपनी लाइफ की शुरुआत करती है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ साल बाद। मिरांडा और क्लोई अभी दोनों ही आजाद है, अच्छे दोस्त थे। एक रात मिरांडा जब क्लोई को छोड़कर अकेले घर लौट रही थी, उसे सामने एक छोटा सा लड़का नजर आता है जिसके ऊपर से फायर इंजन गुजर जाती है, मगर उसकी लाश वहां नहीं थी। असल में वो एक आत्मा थी जिसकी मिसिंग पोस्टर हमें वहां पर ही नजर आता है। मतलब शायद इसे भी मिरांडा की मदद की जरूरत है, मतलब मिरांडा को अभी भी आत्माएं दिखती है। सालों पहले रेचल के कारण उसे जो सुपरनैचुरल एबिलिटीज मिली थी उसके कारण वो अभी तक इन चीजों को लेकर, मतलब दूसरे दुनिया के रियलिटी को लेकर सेंसिटिव है और शायद आगे भी रहने वाली है। एक ऐसी रियलिटी जिसे सिर्फ वो खुद ही महसूस कर सकती है लेकिन किसी से शेयर नहीं कर सकती, किसी को समझा नहीं सकती। ऐसे एक्सपीरियंसेस को फेस करना बहुत ही ज्यादा टफ है क्योंकि ये रैशनल नहीं है। एक आम इंसान के नजरों से इसे ही तो पागलपन कहा जाता है, उसके बातों पर तो कोई भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों एक्चुअल में इसी सिचुएशन को गौथिका कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे चीजों को देखता है या महसूस करता है जो बाकियों के लिए इम्पॉसिबल है। शायद इसका डायरेक्ट रेफरेंस गॉथिक लिटरेचर से है जहां कैरेक्टर्स किसी आइसोलेटेड प्लेस में सुपरनैचुरल अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन को फेस करते हैं। इस मूवी का थीम और टाइटल दोनों ही इससे परफेक्टली मैच करता है, सो ऑफ कोर्स द टाइटल इज जस्टिफाइड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, टाटा।